जी रहे जी जी हैं इस बार का बिग बॉस, कितना एंजॉय कर रहे हैं या कहे कि कितना मतलब भाई बिग बॉस आ रहे हैं हमें भाई इस बार का बिग बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सारी सीमाएं लांग चुका है। जो मेरे को लगता है कि बिग बॉस की अपनी छवि, अपनी जो इमेज है वो भी दरकिनार कर दी गई है सारे कंटेस्टेंट ने, क्योंकि वो एक आवाज़ जो है वो एक आवाज़ का रिस्पेक्ट भी है। सो वो उनको नहीं फॉलो कर रहे हो, सलमान सर की आवाज़ को फॉलो नहीं कर रहे, सलमान सर की गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा खेल बिग बॉस के घर के अंदर। बायस हो रहे हैं, बड़े एक्टर्स के प्रति हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे। जब मैं सीज़न 8 में था तब हमारे इसमें भी सीज़न में भी कुछ एक दो झगड़े हुए थे, जिसकी चक्कर में एक आध कंटेस्टेंट को बाहर जाना पड़ा था। एंड दैट्स द स्ट्रिक्ट रूल, व्हेन यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू फॉलो दैट रूल, इट्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट फॉलोइंग दिस ईयर। सो ठीक है, हर किसी का अपना अपना तरीका है। यस, ये होगा, ये हर सीज़न अपने आप में एक नया सीज़न होता है। ये मारा पीटी वाला सीज़न है, सबसे ज़्यादा मारा पीटी, सबसे ज़्यादा गाली गलौज, सबसे ज़्यादा झगड़ा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है बिग बॉस में, हर कोई अपने आप को प्रूफ करना चाह रहा है। अरे प्रूफ नहीं करना है, मज़े लेना है, रियलिटी मस्ती करो, फन करो, किसी को नीचा दिखा करके मुझे अपने आप को बड़ा दिखाना है ये साबित मत करो। जेन्युइनली खेल रहा है तो कोई नहीं खेल रहा है, सच्ची बताऊँ तो हर कोई अपने अपने लेवल पर जो है सारी सीमाएं लांग चुका है। किसको देखने में मज़ा आ रहा है ये आप पूछें तो ज़्यादा बेटर होगा। पंजाब की कैटरीना कैफ है, शहनाज, उनको देखने में बहुत आनंद आ रहा है। भाऊ जो है उनको देखने में आनंद आ रहा था, लेकिन भाऊ अब रियल नहीं रहे, मतलब जो थे वो अब वो खुद ही घुल कन्फ्यूज़ हो गए कि किसको क्या क्या बोलूँ। जो वो नए आए थे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्रिएट हाँ हो रहा था। बाकी आई थिंक असीम हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट अगर वो अपना फोकस रखें तो है ना। बाकी प्यार तो बढ़ ही रहा है वहाँ, असीम के साथ भी बढ़ रहा है, यहाँ पर विशाल और मधुरिमा के साथ भी जो है, मैंने कोई वीडियो देखा वो किसविस कर रही हैं, तो चला चलो यार कहीं कुछ प्यार तो देखने को मिल रहा है। और जेन्युइन प्यार जो हमेशा सबके सामने आ जाता है, तो ये प्यार को बरकरार रखो यार, प्यार की दुनिया है, जिनको नहीं मिलता उनसे पूछो, अपने ही घर में बेगाना बने घूमते हैं।